तो हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? आज है जी संडे और संडे एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा छुट्टी वाला दिन क्योंकि सारी चीज़ें आसपास बंद होती हैं। सो सुबह बारिश भी हुई थी, थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही, सो आज थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं संडे वाले दिन। बाकी आज मेरा एक फ्रेंड आने वाला है पंजाब से, सो उसको भी आपको मिलाते हैं कि कैसी उसकी जर्नी रही, क्या क्या इमिग्रेशन में पूछा, सारी उससे एक्सपीरियंस लेते हैं। अभी वो थोड़ी देर में ही पहुँचेगा मेरे पास, तो उसकी डिटेल लेते हैं क्या उसका रहा सफ़र। पहले वो लंदन उतरा था और लंदन में रुका थोड़ी देर, तो अब वो यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, लीड्स में। सो उससे डिटेल लेते हैं सारी, आपको भी बताते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, और ख़ास करके स्टूडेंट लोग जो हमारे आ रहे हैं तो बेस्ट है कि रिसर्च करके आओ, अपनी तैयारी पूरी करके आओ कि कैसे आपको अगर लीड्स जाना है या कोवेंट्री जाना है या कोई भी और जगह जाना है, ब्रेडफोर्ड, जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी है, तो लंदन से कैसे आपको जाना है वहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने बेस्ट एक्सपेंस में, कम से कम खर्चे में आप जा सकते हो, तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेके आओ, ताकि ये है कि एकदम आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अपने फॉरेक्स कार्ड वगैरह लेके आओ, थोड़ी सी करेंसी लेके आओ, ठीक है। बाकी अभी आता है वो, तो फिर आपकी आपके साथ मिलाते हैं, वीडियो करते हैं और सारी उससे डिटेल लेते हैं, ठीक है जी। अपने आ चुके हैं जी छतरपाल जी, ये तरन तरह से है। हेलो। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में लीड्स ब्रैकेट में, सो ये अपना हीथरो में उतरे थे, फिर उसके बाद एक दो दिन लंदन में रुके, और ये फिर ट्रेन से आए। ट्रेन का कैसा रहा जर्नी? सही है, बहुत बढ़िया। सही है, मतलब कितने, मतलब कितने, चार पाँच घंटे की जर्नी रही? कितनी रही? चार घंटे की। अच्छा, चार घंटे की जर्नी। और इनके लगे 70 पाउंड और लगेज कहाँ? 67 पाउंड और लगेज ऊपर फिट हो जाता है? लगेज बढ़िया फिट हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बीच में वॉशरूम है, सब कुछ? सब कुछ है, सब अच्छा, कुछ मिलता है, कैंटीन भी है। अच्छा, कैंटीन भी कुछ मिलता है। जहाज है और ट्रेन नहीं है। अच्छा, फुल स्पीड वाले चलती है? फुल स्पीड, बहुत स्पीड। अच्छा, चलो बढ़िया जी। ये तो अभी आए हैं, तो कैसा रहा आपका इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस? कैसा रहा? बहुत बढ़िया। लाइन थी लंबी? लाइन की नहीं, बहुत बड़ी लाइन थी, 3 घंटे लगे लाइन में। हाँ, 3 घंटे लगे। और जैसे मतलब क्वेश्चन वगैरह इनसे ज्यादा नहीं पूछे, है ना? दो तीन क्वेश्चन पूछे, कोर्स बारे पूछा, यूनिवर्सिटी बारे पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका बैचलर तो होता है 4 साल का कोर्स? आपका 3 साल का कोर्स है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी तक का कैसा रहा, मतलब सफर वहां से इंडिया से आए फिर यहाँ पे लंदन में? लंदन में थोड़ा खराब था। अच्छा, देखो यहाँ पर सही होगा। अच्छा चलो ठीक है, लंदन में अकेला था मैं। हाँ, तो वहाँ पर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है जी, बढ़िया। सो इनके इमिग्रेशन मोस्टली क्लियर हो गया, इनका कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पूछते नहीं वो, बाकी डिपेंड करता है कि वो सारी चीजें चेक कर लेते हैं, है ना, बाकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह पे भी साथ चेक करता है, एक्सप्रेशन, लेटर, पासपोर्ट, ऑफर लेटर, ये चेक किया हमने, चेक किया। हाँ, तो मेन डॉक्यूमेंट तो देखते हैं सारे। और ये अभी आए हैं तो फिर अभी सेटल डाउन होंगे, कल अपना यूनिवर्सिटी जाएंगे, बीआरपी कार्ड लेंगे, ये सारे यूनिवर्सिटी चेक इन करेंगे, जीपी रजिस्टर, अभी काम तो बहुत है करने के लिए। काम तो बहुत है। चलो जी ठीक है, अभी बच गए रात के 8:30 बजे और ये आए हैं, तो फिर अब रेस्ट वेस्ट करेंगे, है ना, खाना वाना खाएंगे, फिर सोएंगे। तो बाकी कल से आपको दोबारा दिखाते हैं जब हम कल अपना ओरिएंटेशन में जाएंगे लीड्स ब्रैकेट में, ठीक है जी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।